हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले नुसंतारा LTS अपने पोको X3 डिवाइस में। तो ये रॉम बहुत फेमस है गेमिंग के बेस पे, गेमिंग बहुत जबरदस्त होती है देश में, तो अपन चेक कर लेंगे इसमें गेमिंग कैसी होती। और ओवरऑल अपन रिव्यू करने वाले है कि अपन इसको डेली ड्राइवर कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं बैंकिंग एप्स अपन इसमें चला सकते हैं कि नहीं, वो भी अपन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते। तो सबसे पहले अपन अबाउट सेक्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे अपने को एंड्रॉइड वर्जन 10 मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, थोड़ा सा पुराना वर्जन है। और यहाँ पे नुसंतारा वर्जन देख सकते हैं 1.1 LTS ऑफिशियल अपने को मिला था। और ये रॉम के मेंटेनर गैंग्स ZSZ है, तो ये वीडियो का सारा क्रेडिट उनको जाता। 5th जून का अपने को सिक्योरिटी पैच मिला था, कर्नल अपने को कर्मिनेटर का मिलता और सिलिनर स्टेटस एनफोर्सिंग है। तो ये सब चीज अपने को अबाउट सेक्शन पे मिल जाते। बैक आएंगे अपन, एनिमेशन में अपने कोई भी लैग नहीं मिलता, देख सकते एकदम स्मूथ इधर एनिमेशन है। ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो वो भी अपने को बहुत जबरदस्त मिलता और स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल है। डायलॉग इधर अपने को एंड्रॉइड 10 का मिलता, तो कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है कि नहीं चेक कर लेंगे अपन। तो देख सकते कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है और अपने को एंड्रॉइड 10 का स्टेटस बार मिल जाता, देख सकते कुछ इस तरीके से मिलता। और इसको मैं कस्टमाइज करवा हूँ, तो आगे वीडियो में मैं बताता हूँ इसको कैसा कस्टमाइज कर सकते। और स्टेटस बार में कोई भी शटरिंग नहीं मिलती, देख सकते रिसेंट ऐप अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाते। एंड्रॉइड 10 के अंदर रिसेंट ऐप है और लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो अपने क्लियर ऑल का बटन मिल जाता और कोई भी सेलेक्ट स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं मिलता अपने को। बेसिक सेटिंग चेक कर लेंगे, बैटरी पे जाएंगे तो बैटरी बैकअप रॉम का बहुत जबरदस्त है। इधर मैं रॉम को कल इंस्टॉल करा और मेरे को कोई भी इधर ड्रेन इशू देखने को नहीं मिला। बैटरी बैकअप बहुत जबरदस्त है, अगर बैटरी एक्सटेंड करना है तो ये रॉम को फ्लैश कर लो, बहुत जबरदस्त इसमें अपने को बैटरी बैकअप मिलता। बैटरी सेवर का अपने को ऑप्शन मिल जाता, एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन है, बैटरी चार्जिंग वार्निंग का अपने को ऑप्शन मिल जाता, स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, इनेबल कर लेना, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, इसको इनेबल कर लेना। तो बैक आएंगे अपन, डिस्प्ले पे जाएंगे, ऑटो ब्राइटनेस का अपने को ऑप्शन मिल जाता, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का अपने को ऑप्शन मिल जाता, ये सब ऑप्शन इधर अपने को मिलते। नाइट लाइट का अपने को ऑप्शन मिल जाता, इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते। स्टाइल एंड वॉलपेपर का अपने को ऑप्शन मिल जाता, ये सब क्लॉक फॉर्मेट्स अपने को मिलते इधर। और यहाँ पे वॉलपेपर्स भी अपने को मिल जाते, ये एक अपने को वॉलपेपर मिलता। स्क्रीन अटेंशन का अपने को ऑप्शन मिल जाता, कलर्स में अपने को ये सब कलर मिल जाते, टैप टू वे का ऑप्शन है, एम्बिएंट डिस्प्ले का अपने को ऑप्शन मिल जाता, यहाँ पे इनेबल कर लेना। आगे साउंड पे जाएंगे, लिंक रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता, हैप्टिक्स बहुत अच्छा वर्क कर अपने इधर, MI साउंड एनहेंसर अपने को मिल जाता, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन भी है। सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिंगरप्रिंट कैसा वर्क कर रहा वो भी मैं चेक करा देता हूँ, तो देख सकते बहुत अच्छा वर्क कर रहा। और अपने कोई भी इधर एनिमेशन देखने को नहीं मिलता। ऐप लॉकर का अपने को ऑप्शन मिल जाता, स्मार्ट लॉक का ऑप्शन है। तो अब देख लेंगे इसमें अपने को कस्टमाइजेशन कैसा मिलता, तो इसमें बहुत ज्यादा अपने को कस्टमाइजेशन मिलता। अगर पूरा डिटेल में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ। थीम्स पे जाएंगे, नुसंतारा विंग्स बैकग्राउंड का अपने को ऑप्शन मिल जाता, ट्रांसपेरेंट एसेंस सेट कर सकते हैं, सिस्टम थीम का अपने को ऑप्शन मिल जाता। तो ये सब इतने सारे थीम्स है, यहाँ पे अपने को डार्क गूगल डार्क थीम अपने को मिलता, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से थीम आया था। और यहाँ पे बहुत सारे डार्क थीम है, पिच ब्लैक डार्क थीम अपने को मिल जाता, बहुत ज्यादा इधर डार्क होना तो पिच ब्लैक पे रख लेना। सोलराइज डार्क का अपने को ऑप्शन मिल जाता, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सोलराइज कलर में आया था थीम। कोको एक्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता, चॉकलेट कलर में डार्क थीम है ये। तो ये सब थीम्स है, बहुत सारे इधर थीम्स है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन लाइट पे आ जाएंगे, आइकॉन शेप का अपने को ऑप्शन मिल जाता, ये सब शेप्स है, तो ये स्टेटस बार में अप्लाई होते। QS स्टाइल स्टाइल का अपने को ऑप्शन मिला था, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था इसको कस्टमाइज करना, तो वही इधर ऑप्शंस है और ये सब ऑप्शंस अपने को मिलते हैं, बहुत सारे इधर स्टाइल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन बैक आएंगे, नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपने को सेटिंग मिला थी, चार्जिंग एनिमेशन को इनेबल कर सकते हैं, ट्रिगर का ऑप्शन है, एज लाइटिंग का अपने को ऑप्शन मिला था। मिसेलिनियस पे जाएंगे अपन, राउंडेड कॉर्नर्स का अपने को ऑप्शन मिला था, स्क्रीन एनिमेशन अपने को मिलते हैं, यहाँ पे इतने सारे एनिमेशन है। गेमिंग मोड अपने को मिला था, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता, इनेबल कर लेना। लॉक स्क्रीन पे जाएंगे, लॉक स्क्रीन आइटम्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता, यहाँ पे पॉकेट डिटेक्शन अपने को ऑप्शन मिलता, लॉक स्क्रीन स्टाइल्स अपने को मिलते, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है। फिंगरप्रिंट प्रेफ्स पे जाएंगे तो ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन को इनेबल कर सकते। स्टेटस बार पे जाएंगे, बैटरी से रिलेटेड अपने को सेटिंग मिल जाती, बैटरी आइकॉन स्टाइल्स अपने को मिलते, ये सब बैटरी आइकॉन स्टाइल्स है, परसेंटेज को इनेबल कर सकते। बैटरी बार का अपने को ऑप्शन मिल जाता, करियर लेवल पे जाएंगे तो ये सेटिंग्स अपने को मिलती, क्लॉक ऑप्शन अपने को मिल जाते, यहाँ पे सेकंड्स को इनेबल कर सकते, डेट फॉर्मेट को आप सेट कर सकते। आइकॉन मैनेजर पे अपन जाएंगे, स्टेटस बार आइकॉन्स को इनेबल डिसेबल कर सकते, नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है, कस्टम लोगो का अपने को ऑप्शन मिल जाता। क्विक सेटिंग्स पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे QS फ्यूटर टेक्स्ट का अपने को ऑप्शन मिल जाता, QS टिंट का अपने को ऑप्शन मिल जाता, यहाँ पे बहुत से सेटिंग्स है, अप्लाई कर सकते हैं। ब्राइटनेस लैडर को इनेबल कर सकते, पोजीशन को टॉप या बॉटम पे कर सकते, ट्रैफिक इंडिकेटर्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता। बटन्स पे जाएंगे अपन, हार्डवेयर पे अपने को बटन्स का ऑप्शन मिला था, किल ऐप बटन का ऑप्शन है, वॉल्यूम स्टेप्स का ऑप्शन मिल जाता, वॉल्यूम पैनल और लेफ्ट का अपने को ऑप्शन मिल जाता, देख सकते हैं लेफ्ट पे चल जाता वॉल्यूम पैनल अपना। नेविगेशन पे जाएंगे तो ये सब सेटिंग्स अपने को मिल जाते हैं इसमें। पावर मेन्यू पे अपने को एडवांस रिस्टार्ट बटन का ऑप्शन मिल जाता, स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है। तो ये सब कस्टमाइजेशन अपने को नुसंतारा विंग्स में मिलता, तो बहुत सारे अदर कस्टमाइजेशन है। तो सेफ्टी नेट चेक कर लेंगे अपन, पास्ट होता कि नहीं देख लेंगे, रन टेस्ट पे टैप करेंगे तो सेफ्टी नेट इसमें बाय डिफॉल्ट पास्ट है, बैंकिंग एप्लीकेशन इजिली रन कर सकते और डिवाइस सर्टिफाइड है कि नहीं वो भी मैं चेक करा देता हूँ।
तो देख सकते हैं डिवाइस अपना सर्टिफाइड है। DRM इन्फो के अंदर अपने को वाइड वन L1 मिलता, सिक्योरिटी लेवल L1 है। और गूगल फोटोज में अपन चेक कर लेंगे अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है कि नहीं, तो देख सकते इधर बैकिंग अप फ्रॉम दिस पिक्सल 4 इज फ्री एंड अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड स्टोरेज अपना अनलॉक्ड है। रैम मैनेजमेंट देख लेंगे अपने को कैसा मिलता, देख सकते 54% तक जा रहा, तो कि बहुत जबरदस्त है रैम मैनेजमेंट। और इसमें अपने को कैमरा एप्लीकेशन इनबिल्ट मिल जाती, इसमें बेसिक से अपने को फीचर्स मिल जाते, वीडियो रिकॉर्डिंग इमेज कैप्चर कर सकते, तो ये क्वालिटी में अपने को इमेजेस मिल जाते, अच्छी खासी क्वालिटी अपने को मिलती। और बैटरी बैकअप चेक कर लेंगे अपन, तो देख सकते एक्टिव ड्रेन अपना 8.37% पर आ रहे, आइडल ड्रेन 0.57% पर आ रहे। स्क्रीन ऑन देख सकते 6 घंटे तक यूज करा तो 53% ड्रेन हुआ, इसमें मैं गेमिंग भी करा और लाइट भी इसको मैं यूज करा। स्क्रीन ऑफ देख सकते 13 घंटे तक था तो 8% ड्रेन हुआ, डीप स्लीप अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा। सीपीयू थ्रॉटलिंग चेक कर लेंगे अपन, तो ग्राफिक देख सकते तो मैक्सिमम अपना GIPS शो नहीं कर रहा, एवरेज 1,40,000 GIPS तक है, मिनिमम 1,01,000 GIPS अपने को मिल जाता। तो परफॉर्मेंस रोम का बहुत जबरदस्त है, डेली ड्राइवर क्या से अपन यूज कर ले सकते रोम को, बहुत जबरदस्त अपने को परफॉर्मेंस मिलता रोम में। तो अब देख लेंगे इसमें अपने को गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता, BGMI खोल लेंगे अपन। तो ग्राफिक्स पे मैं जाके बताता हूं अपने को क्या ग्राफिक्स मिलते हैं, तो देख सकते स्मूथ और अल्ट्रा अपने को मिला था, 90 FPS इधर अनलॉक नहीं है, अल्ट्रा पे गेमिंग कर ले सकते हैं। तो एक मैच भी खेल के बताता हूं परफॉर्मेंस कैसा है मालूम चल जाता। तो गेमिंग की अगर बात करेंगे तो अपने कोई भी इधर मेजर लैग नहीं मिलता, एकदम स्मूथ इधर गेम प्ले है, फ्रेम ड्रॉप्स इधर नहीं होते, स्टेबल अपने को 40 FPS मिल जाता, तो स्टेबल रहता, ज्यादा बंदे आगे तो भी फ्रेम ड्रॉप्स इधर नहीं होते। तो इसमें मेरे को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है रोम का, और कोई भी इधर मेरे को ड्रेन इशू भी देखने को नहीं मिला, बैटरी बैकअप बहुत जबरदस्त था। तो गेमिंग ऐसे रोम को इंस्टॉल करे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मिलता मैं बताता हूँ। गेमिंग ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डेली यूज कैसे भी करना है तो रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रोम ऑलराउंडर है, और UI एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वो भी बहुत जबरदस्त है, 1% का भी अपने को लैग नहीं मिलता UI में। रोम को कैसा फ्लैश करना वो अपन अब देख लेंगे, तो इधर मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज कर रहा हूँ, इस रिकवरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता आपको। तो फ्लैशिंग प्रोसेस को अच्छा देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कोई भी स्टेप अगर इधर उधर हो गया तो अपना फोन बूट लूप में चले आता। तो सबसे पहले अपन वाइप वाले सेक्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे डेल्विक कैच मेटा डेटा डेटा ये सारे पार्टीशन को सिलेक्ट करके अपन वाइप कर देंगे। फिर अपन फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ पे मैं USB OTG यूज कर रहा हूँ, तो मैं चले जाता हूँ। इधर आपको लेटेस्ट फर्मवेयर जो है इंस्टॉल करना पड़ता, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ FW Surya MIUI Global 13.0.2 लेटेस्ट फर्मवेयर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता। तो इस पर अपन टैप करके फ्लैश कर देंगे, इसमें थोड़ा टाइम अपने को लगता, वेट कर लेना। देख सकते हैं फ्लैश कंप्लीट हो गया, बैक बटन पे अपन प्रेस करेंगे, फिर अपन वेंडर फाइल को फ्लैश कर लेंगे। तो देख सकते वेंडर फाइल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जितने भी एंड्रॉइड 10 के कस्टम रॉम्स है उसकी वेंडर फाइल जो है अलग आती, अपने को अलग से फ्लैश करना पड़ता, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता। देख सकते फ्लैश कंप्लीट हो गया, फिर बैक बटन पे अपन प्रेस करेंगे, फिर अपन नुसंतारा की कस्टम रॉम वाली फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो देख सकते यहाँ पर है नुसंतारा LTS, टैप करके अपन फ्लैश कर देंगे। ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता, मिनिमम 10 मिनट्स तक लगते, वेट कर लो जब तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्लैश अपना कंप्लीट हो गया। तो इसमें अपने को GApps इंक्लूड नहीं मिलते, अलग से अपने को फ्लैश करना पड़ता, तो अपन GApps भी फ्लैश कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर है 110 के GApps है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जितने भी फाइल्स मैं इधर फ्लैश कर रहा हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता। तो देख सकते अपने GApps फ्लैश हो गए। वाइप वाले सेक्शन पे बन जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे टाइप करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड पे YES टाइप करके अपन टिक कर देंगे। तो इधर अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फोन को रिबूट कर ले सकते हैं। रोम का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं कर तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं जितने भी कस्टम रोम के पोर्ट्स है पोको X3 के, वो सारे कस्टम रोम का इधर लिंक मिल जाता। और कुछ भी डिस्कस करना रहा तो इधर डिस्कशन चैनल भी है, यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। तो रिव्यू अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते। ऐसे ही मैं जबरदस्त कस्टम रोम का रिव्यू लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो को एंड करेंगे अपन, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।